Very, very tragic news. The 20-year-old scheduled caste woman who was raped allegedly by four men in a UP. You know, every 15 minutes a crime is committed against a Dalit. Every day, six Dalit women are raped. मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ. But two Dalits were stripped and thrashed in Maharashtra's Jalgaon district. Your life is your caste. Your caste is your life. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, आपका कास्ट क्या है? कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही मामूली सवाल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बस एक सवाल नहीं, एक कहानी है. एक ऐसी कहानी जिसमें वे पूरे लाइफ मर मर के जीते हैं. ये कहानी शुरू हुई थी लगभग 1500 साल पहले, लेकिन आज तक खत्म नहीं हुई. आज ऐसे ही भारत की 200 मिलियन लोगों की अधूरी कहानी आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ. इस कहानी में तीन किरदार होंगे. उनमें से पहला किरदार काल्पनिक होगा, लेकिन वो जो भी बोलेगा फैक्ट्स और स्टेटिस्टिक्स के साथ आपके सामने पेश करेगा. वो जो भी कहेगा उसी उम्मीद से कहेगा कि कहानी के दूसरे किरदार यानी आप दिल और दिमाग दोनों से उनके लाइफ को समझे. और तीसरा और आखिरी किरदार हूँ मैं, जो दोनों किरदारों को आपस में जोड़ेगा. मैं दलित, हालांकि मेरा असली नाम कुछ और ही है, लेकिन ज्यादातर लोग मुझे दलित, भंगी, चमार, कमीना, चंडाल, भंड, गंदगी आदि नामों से बुलाते हैं. इसीलिए ऐसा लगता है जैसे मैं भी अपना असली नाम भूल चुका हूँ. मेरे 4-5 साल की उम्र तक सब ठीक चल रहा था. हाँ, हम लोग बाकी दलित परिवारों की तरह गरीब जरूर थे, लेकिन आगे जो फेस करने वाले थे उसके सामने वे गरीबी भी शायद कुछ भी नहीं था. 10 जनवरी 2000 ये दिन मेरे स्कूल का और मैं बाकी लोगों से नीचे और अलग हूँ ये एहसास दिलाने का पहला दिन था. स्कूल पहुँचते ही मुझे एक अलग कलर की यूनिफॉर्म दिया गया. मेरे लिए कुछ अलग रूल सेट किए गए. लेकिन दलित SC जिसको संबोधित किया जाता है उसमें जितने भी हम स्टूडेंट थे हमें यूनिफॉर्म स्कूल से मिलती थी, वो ब्लू कलर का होता, नीला. वो दूर से पहचाने जाते थे बच्चे कि ये दलित कम्युनिटी के बच्चे. एग्जाम्पल के तौर पे मुझे अलग बिठाया गया. मेरे क्लासरूम में राइट कॉर्नर पे जो पतीला रखा गया था मैं उसको छू नहीं सकता था और खुद से पानी नहीं पी सकता था. उनमें मटका पानी का भर के लेके आते थे और वो मटका क्लास में रख दिया जाता था. और क्योंकि मैं वाल्मीकि समुदाय से संबंध रखती हूँ, मतलब सभी क्लास में सारे पानी पीते थे, लेकिन हमें नहीं पानी पीने दिया जाता था. That's how the real discrimination starts on the first day of my social life. लेकिन तब इतना महसूस नहीं होता था क्योंकि मैं बहुत छोटा था. धीरे धीरे बात समझ आने लगा. एक दिन मेरे टीचर आए और बोले, दलित कल से तुम स्कूल की टॉयलेट साफ करना, तुम्हारा काम है ये. मैं टॉयलेट तो साफ करता था लेकिन यूज करने का अनुमति नहीं था. मिड डे मील में भी मुझे अलग बैठना पड़ता था. मेरे क्लासमेट्स मुझे हाथ नहीं लगाते थे और कुछ लोग मुझे भंगी का बेटा, चमार का बेटा बोलना स्टार्ट कर दिया था. जो मेरा स्कूल ना क्यों तू जाते नहीं क्यों बजा बोला और बड़ा नहीं बजा ना बोला पाय पाय ना बनी उनो करे नहीं. तब मन में सवाल आने लगा, मैं कौन हूँ? हूँ तो मैं सेम उन लोगों की ही तरह, खून भी मेरा लाल ही है, ओ पॉजिटिव. फिर क्यों मुझे इंसान रूपी जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है? यही सवाल लेके मैं सबसे पहले अपने पिताजी के पास गया था. पिताजी बोले, हिंदू शास्त्र में 4 वर्ण है, उनमें सबसे नीचे शूद्र, उससे भी नीचे हम है, ऐसा वो लोग बोलते हैं. और ये भी बोलते हैं हम लोग सबसे नीची जाति है, गंदगी है. देखो वो जो दिव्य पुरुष है, वेद विराट पुरुष है, उसके ब्राह्मणोस्य मुखम आशीत, उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ठीक है. बाहु राजन्याः, बाहु से क्षत्रिय. ऊरु तदस्य जनवैश्याः, पेट से, यहाँ ये जो स्थान है ना, यहाँ से वैश्य पैदा हुआ. पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैरों से शूद्र अजायत बने पैदा हुआ. मैं 14 साल का था, मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, लेकिन मुझे एक चीज पता था, वो भगवान जिसने पूरे जहान को बनाया है उनके लिए दुनिया का हर एक जीव समान ही होगा. मैं ये शास्त्रों के ज्ञान से नहीं बोल रहा था, बल्कि एक 14 साल के लड़के का अपने धर्म के प्रति विश्वास से बोल रहा था.
लेकिन मुझे हमारे धर्म शास्त्रों को अच्छे से समझना था। मुझे भी देखना था ऐसा क्या है हमारे शास्त्रों में जिसके कारण हमारे ही देश के लोग हमें गंदगी समझते हैं। मुझे शास्त्रों में जो मिला वो देख के मैं हैरान हो गया। क्या मिला था और क्यों हैरान हुआ वो बोलने से पहले मैं मेरे लाइफ को थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। समाज में मेरा सम्मान जानवरों से भी बहुत नीचे था। ये रियलिटी था कि मेरे जैसे लोग जिनके नाम दलित हैं, हाथों से दूसरों का मल साफ करते हैं, यानी मैनुअल स्कैवेंजर्स लोग अभी भी करते हैं। The condition of manual scavengers and sanitation workers in our country. 282 manual scavengers died between 2016 to 2019. ये तो सिर्फ official figures हैं। बहुत सारी NGOs का कहना है कि the actual number of deaths are more than 1700. दो में से एक दलित बच्चों को बस elementary education से ही drop out करना पड़ता है। हमारे बहनों पे rape होता है क्योंकि हम दलित हैं। Murder होता है क्योंकि हम दलित हैं। और उसके बाद हम कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि हम दलित हैं। The breaking news coming in right now and very, very tragic news. The 20-year-old scheduled caste woman who was raped allegedly by four men in UP's Hathras district. सुल्तानपुर में भी एक दलित महिला के साथ गैंगरेप की खबर आई है। महिला को 13 दिन तक अगवा कर रखा गया और इस दौरान उसके साथ दरिंदगी होती रही। इसीलिए मुझे लगा कि अगर समाज में थोड़ी सी भी इज्जत बटोरना है तो मुझे पहुंचना पड़ेगा एडुकेशन के हायर लेवल तक। लेकिन हर स्टेप में लड़ाई था। पहले स्कूल छोड़ने की धमकी मिली, कॉलेज गया तो रूममेट से लेके क्लासमेट ने बुली करना शुरू कर दिया। कुछ दलित अगर किसी तरह प्रेशर और बेइज्जती झेल भी लेते थे तो वही दूसरी ओर कुछ सुसाइड कर लेते थे। इतने लड़ाई के बाद अगर कोई बड़े पद पे पहुंच भी जाता है तब भी ये डिस्क्रिमिनेशन बंद नहीं होता है। लेकिन आईएसडी जातिवाद से फ्री नहीं। जब मैं तहसील में जाता था मुझे अलग गिलास में पानी देता था और वो गिलास इनवेरिएबली मुझे पानी दे के अलग रखा जाता था। रोजाना की जो ह्यूमिलिएशन होती थी तो हर पहरे पे में अफसर जरूर था लेकिन आईएएस बाद में था और पहले चमार था। अंत में जब हम दलित मरते हैं तब भी हमें शमशान के लिए लड़ाई करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं एक दलित आदमी जन्म के बाद दलित ही जीता है, दलित ही मरता है और अंतिम संस्कार भी दलित ही होता है। ये थे हमारे प्यारे देश भारत में जन्म लिए लाखों करोड़ों दलितों की अधूरी कहानी, जिन लोगों को अपने ही देश में अपने ही लोगों ने गुलाम बना के रखा हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली इसका कारण बताया जाता है हमारे हिंदू शास्त्र। शास्त्र को आधार मानने वाला होने के नाते मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ। लेकिन क्या ये सच है? क्या हमारे शास्त्र डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करते हैं? इसका आंसर मैं नहीं देके वीडियो के तीसरे किरदार, वीडियो के नैरेटर के लिए मैं रखता हूँ। मुझे शास्त्रों में जो मिला वो देख के मैं हैरान हो गया। वो हैरान इसलिए नहीं था कि दलितों को शास्त्रों के नाम पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, बल्कि वो इसलिए हैरान था कि जिन लोगों ने दलितों को शास्त्रों के नाम पे डिस्क्रिमिनेट करता था सबसे ज्यादा मूर्ख तो उन लोगों को ही बनाया जाता था। क्योंकि हिंदू शास्त्र की बैकबोन भगवद गीता के हिसाब से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन पाप। वेदास में जरूर चार वर्ण और तीन गुणों की बात कहा गया है। गुण का मतलब क्वालिटीज और वर्ण का मतलब प्रोफेशन। वेदास के वो तीन गुण है सत्व, रजस और तमस। आसान भाषा में बोले तो सत्व गुण का मतलब है प्रेजेंट माइंड, हैप्पी, पॉजिटिव एंड फ्री ऑफ डिजायर। शास्त्रों के हिसाब से ये क्वालिटीज जिसके पास होगा उनको सोसाइटी के पॉलिसी या डिसीजन मेकर कहा जाएगा और उन लोगों को ही ब्राह्मण कहा जाएगा। सिमिलरली कुछ लोगों को अपने क्वालिटीज के हिसाब से डिफेंस के लिए अपॉइंट किया जाएगा, इनको क्षत्रिय कहा जाएगा। वैसे ही वो लोग जो लोग बिजनेसेस और फार्मिंग में होगा उन लोगों को वैश्य और जो लोग अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उन लोगों को शूद्र कहा जाएगा। शास्त्रों के हिसाब से कोई भी बच्चा जन्म के साथ ही ना तो ब्राह्मण होता है ना वैश्य ना क्षत्रिय। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है अपने गुणों के हिसाब से अपना वर्ण हासिल करता है। हिंदू शास्त्रों ने कभी भी नेपोटिज्म जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण या क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा उसको प्रमोट नहीं किया है। और डिस्क्रिमिनेशन की बात तो दूर दूर तक नहीं कहा गया है। उल्टा हिंदू शास्त्रों की प्रमुख भगवद गीता में तो कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन को साफ नकारा गया है और यूनिवर्सल इक्वेलिटी का बात कहा गया है। आप खुद ही देख लीजिए भगवद गीता के वर्स 7.7 और इसका सरल इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके सामने है। All are the part of same supreme essence. All are created from the same source of him.
एंड ऑल डिजॉल्व इन द सेम सुप्रीम सोल। इसका मतलब ऑल क्रिएचर्स हैव सेम ओरिजिन एंड सेम डेस्टिनेशन एंड ऑब्वियसली दैट मीन्स ऑल आर इक्वल। यानी सिर्फ इंसान ही नहीं, इस दुनिया के हर एक जीव एक समान है। तो फिर ये किसका साजिश है जो एक कम्युनिटी को हमेशा गुलाम बना के रखना चाहते हैं? साजिश जिसका भी हो, लेकिन दो तरह की लोगों का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। एक तो दलितों का, जिनसे बिना बजे सोशल रेस्पेक्ट, इक्वेलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू एजुकेशन, हर एक ह्यूमन राइट्स को छीना गया। इससे भी दुख उन लोगों के लिए होता है जिनका बुरी तरह से ब्रेन वॉश किया गया है शास्त्रों के नाम पे, और ये लोग निसंकोच दलितों के ऊपर हर तरह का जुल्म करते हैं ये सोच के कि ये लोग शास्त्रों का पालन कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी में क्या ये लोगों को शास्त्रों का पहला अक्षर भी आता है? अब सवाल ये आता है और आपको भी सोचना चाहिए, इस साजिश के पीछे है कौन? किन लोगों को ऐसा डिस्क्रिमिनेशन से फायदा होता है? इसका साफ आंसर इस सवाल में है, किन लोगों को ऐसे डिस्क्रिमिनेशन से पैसा और पावर मिलता है? इस सवाल का आंसर आपको खुद ही ढूंढना है। मैं बस कुछ सवालों के तरफ इशारा करूंगा। पहला सवाल, क्यों ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज दो हिस्सों में बांट गया है? कुछ पॉलिटिकल पार्टी सो कॉल्ड अपर कास्ट के पक्ष में बात करते हैं तो कुछ लोअर कास्ट के पक्ष में। क्यों ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात नहीं कहता? ये करने से वोट किसको मिल रहा है? दूसरा सवाल, क्यों कुछ लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड धर्मरक्षक बोलते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करते हैं? ऐसा करने से किसका फॉलोअर्स और करोड़ों में दौलत इंक्रीज हुई है? ये कुछ सवाल है जो शायद आपको इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के जड़ तक लेके जाएगा। प्रॉब्लम जो भी हो, लेकिन इसका सलूशन आप हो। आपको और हमको मिल के इंडिया के कोने कोने तक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक क्राइम है इस आवाज को पहुंचाना पड़ेगा। ये तीन तरीके से हो सकता है। पहला, लोगों को शास्त्रों का असली मतलब समझा के। दूसरा, लोगों के पास भारतीय संविधान का हर एक जानकारी पहुंचा के। तीसरा और अहम, ये ढोंगी सो कॉल्ड धर्मरक्षक और जनसेवक का नकली नकाब उतार के। अंत में उन लोगों को कहना चाहूंगा जो लोग शास्त्रों के नाम पे इनोसेंट दलितों के ऊपर लगातार जुर्म करते आ रहे हैं, सुधर जाओ, नहीं तो हमारा संविधान नहीं छोड़ेगा। ये धमकी नहीं है, मैं कौन होता हूँ धमकी देने वाला, लेकिन ये करोड़ों भारतीय जो लोग असली धर्म और संविधान का पालन करते हैं उनके तरफ से चेतावनी है। आप लोग जल्द ही सुधरोगे, उसी उम्मीद से।